खुश रंग परिंदों ने बरसात की कंकर की दिल जो दिल जो बहुत अमदाबाद। सभी लोग गौर से समाप्त फरमाए, जितने जायरीन हुज्जाज हैं, जिनके दिल में एक तड़प है, मोहब्बत है कि हमको मदीने की हाजिरी देनी है, अल्लाह हमारी तकदीर में नसीब में लिख दिए मैं मदीने की हाजिरी करूँ, तो अब जो है वो कमर बस्ता हो जाए, तैयार हो जाए, इंशाल्लाह वो सारी चीजें सहूलियात आपको आपका राउटर ही से दिया जाएगा। राउटर से इंशाल्लाह आपको लेकर किशनगंज से लेकर बॉम्बई तक और मदीने पाक मक्कतुल मुकर्रमा की तमाम ज़ियारात करके आपको फिर लाकर राउटर छोड़ा जाएगा। उसमें जितनी सहूलियात हैं, अशिया फराहम है, इंशाल्लाह ताला वो सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी। और जिनका पासपोर्ट ना हो वो पासपोर्ट का भी इंतजाम आपका राउटर से कर दिया जाएगा। और आपको अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंतजाम है, गाहे बगाहे टूर में कभी ये भी जाएंगे और गाहे बगाहे आपके साथ इंशाल्लाह ये नाजिस भी आपके हमराह होंगे। और ज्यारती मदीनतुल मुनव्वरा आपके तमाम ज्यारातों में हम आपके साथ रहेंगे। अब कुछ लोग सोचते हैं कि 4 लाख रुपया मेरे पास नहीं है, इंतजाम नहीं हो रहा है और दिल तड़प रहा है, कैसे मदीने की हाजिरी हो, कैसे दी जाए, तो उनके लिए एक सूरत उम्रे का है कि आप उम्रे के लिए तैयार हो जाएं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह कम पैसों में, 1 लाख से भी कम पैसे में आपका उम्र मुकद्दसा हो जाएगा, यानी कि इंशाल्लाह आपको 96,000 रुपये में आपका पंडाल हो जाएगा और शहर तैबा की हाजिरी हो जाएगी। देखिए बातें बड़ी लंबी हो गई और इंशाल्लाह फिर मौके आते रहेंगे। और ये आपको बहादुरगंज से लेकर के बायसी एरिया तक इस चप्पल में जितने भी लोग हैं, इंशाल्लाह हम लोग 3-4 आदमी रहेंगे, जिनमें से मशहूर मारूफ हजरत हाजी कारी नहीं गरी साहब भी रहे, मेन वो है और हम लोग उनके ब्रांच और शाख हैं। इंशाल्लाह ये काम उनके जरिए से होगा और ये काम हमारे लिए इंशाल्लाह आसानियां होंगी। जिनके पास पासपोर्ट ना हो वो तैयार कर लें या तैयारी में लग जाए, इंशाल्लाह मदीने और मक्कतुल मुकर्रमा की हाजिरी सबको नसीब होगी। और साथ में आपका उर्स मुमताजुल उलमा की वो पाकिस्तान तारीख सामने आ रही है, यहाँ के बाद हम लोगों को तैयारी पैसा के लिए करनी है, फिर उनके बाद पोहिता के लिए हम आपको तैयार होना है और उसके बाद लास्ट में उस मुमताजुल उलमा कई सालों से जो हम लोगों के साथ आन बान शान के साथ नहीं हुआ था, इंशाल्लाह इस बार उम्मीद कीजिए और शाना बशाना हो जाइए कि आपका उस मुमताजुल उलमा शान शौकत के साथ मनाया जाए। उसकी तैयारी में हमको जमना है, लगना है और इंशाल्लाह ये उस मुमताजुल उलमा को हमें इसे मुकम्मल करना है। देखिए एक अफसोस की बात, हम आपकी गुजारी करना चाहें कि हम आप अपनी बिल्डिंगों को किस शान शौकत से बना लिए और ये मुमताजुल उलमा का ये जो है मजार मुकद्दस आज कई सालों से चूक कर चूक पड़ा रह गया, वहीं का वहीं रह गया। अगर हम आप चाहेंगे ये उस मुमताजुल उलमा का कर्म होगा तो इंशाल्लाह ये मजार जो है उस मुमताजुल उलमा का कुछ ही दिनों में, कई सालों नहीं कई महीनों में बन
तैयार हो जाएगा। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ये मजार को देख रहे हैं आप, बिल्कुल लबे रोड है। वैसे आप इंडिया नहीं और दीगर कंट्री में भी आप जाते हैं, देखते हैं रोड के किनारे पर मजारात होते हैं, कितना खूबसूरत लगता है। आप लुधियाना गए होंगे, लुधियाना में चौ तरफा रोड के बीच में वो मजार है, इतना प्यारा लगता है। और हमारे यहाँ बगल में रह करके इस मजार को हम लोग अब तक कंप्लीट नहीं कर सके। और अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, ये अफसोस है, ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं और ये कायम के आलिम दीन, इनका मकाम जानते हैं, इनकी तफसीर और इनका रुतबा, इनका वकार, इनका मकाम अल्लाह ने अपने कुरान अजीम में इशारा फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही उलमा। आज यही उलमा की टीम और ग्रुप है, जमात है, जो आपको कुरान और हदीस से पूरे पूरे कर मसाइल दीन को आपको पहुंचा रहे हैं। लेकिन हम हैं वदैना किस्मत अल-जफाल फीना लना इल्मुन वलिल्मा अल-जफाल। हम ऐसे हैं कि हम बस दुनिया के पीछे टपक रहे हैं, तड़ रहे हैं और इस चौक चौराहों में उलमा की इहानत कर रहे हैं। एक लफ्ज पर बात खत्म करते हैं, आलिम की तौहीन इहानत आलिम कुफ्र है। कभी भी आलिम की इहानत की कोशिश न कीजिएगा, आलिम की तौहीन मत कीजिएगा। वरना जानते हैं आला हजरत लिखते हैं, ये रज़ा के लिए की मार है, ये अदू के सीने में गार है, इसे चारा जुड़ी का मार है, ये वार आज से पार है। अति तौर पर इहानत उलमा मत कीजिएगा, आलिम की सोबत में बैठने की कोशिश कीजिएगा, उससे जानकारी लेने की कोशिश कीजिएगा, मालूमात को बढ़ाने के लिए कोशिश कीजिएगा। अल्लाह ताला इन पाकीज़ा जमात के सदके में हमारी जिंदगी को संवार दे, आखिरत को संवार दे, अभी की मंजिल को संवार दे, और कल कयामत के दिन इनके दामनों से लिपट कर हमको जन्नत में जाने का हकदार बना। आइए हम आज उस बाबा फरीदी में शामिल है, दुआ कीजिए, सब कुछ दुआ कीजिए, औरत मर्द बच्चा बच्ची लड़का लड़की बूढ़ा बुजुर्ग सब कोई दुआ कीजिए, इनकी दुआओं की बरकत से ये गांव आबाद हो जाए, इनकी दुआओं की बरकतों से ये उस और ये जल से यतीम की बातें हमेशा परवान चढ़ती रहे। आज सबके आपकी दुआ कबूल होगी इंशाल्लाह, इनके तवस्सुल में अल्लाह हम आपको मदीन मदीने की हाजिरी नसीब अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब इंतजार में सलाम पढ़ दीजिए।